मैं मध्य प्रदेश की धरती यानी बंडा विधानसभा से हैं। यहाँ पर सागर विधानसभा की युवा तेज तर्रार नेता यहाँ पर स्नेही जाटव जी हैं। लगभग में सबसे जितने मध्य प्रदेश में सबसे युवा यानी कि 24 साल की हैं। हम उनसे वार्तालाप करने के लिए बात करने के लिए यहाँ पर प्रत्याशी जी से जी, जो आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती आई हैं, तो आज आपको क्या संकेत लेके यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगी? देखिए सर, बहुजन समाज पार्टी में अगर आज हमारी बहन कुमारी मायावती आई हैं, आप जैसे कि जानते ही हैं कि बहन कुमारी मायावती ने अपने जीवन में बहुत संघर्षों को देखा है और आज वो यहाँ पर यहाँ तक पहुँची हैं, और अगर आज वो हमारे बीच में पधारी हैं तो हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि अब हम पूरी विधानसभा में जाकर, पूरी विधानसभाओं में जिन 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 प्रत्याशी जो विधानसभा से जो प्रत्याशी आए थे उन विधानसभाओं को में जाकर बहुत ज़्यादा मेहनत करें। चूँकि हम लोग 15 दिन से लगे हुए हैं, बाकी लगभग हम लोग 2 वर्ष से मैं अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हूं, लेकिन लगभग 15-20 दिन से हमारा हर वार्ड में जनसंपर्क जाना आना जाना लगा हुआ है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर मुझे बहन कुमारी मायावती जी आज यहां पे पधारी हैं तो मैं यही कहूंगी कि हम लोग और ज़्यादा मेहनत लगाकर, मेहनत करके अब सागर विधानसभा की सीट निकालने का प्रयास करेंगे। जी, शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश है यानी कि अमेरिका से तुलना की जाए तो वो भी कम है। सर, आपको कहाँ से लगता है कि मध्य प्रदेश की तुलना आप अमेरिका से करेंगे? अब आप क्या बोलते, सागर के कुछ एक दो वार्डों में चले जाए, वहाँ की सड़कों में नाले की तरह पानी भरा हुआ है, और ये इसका प्रूफ है मेरे मोबाइल में वीडियो को लेकर कि अब आप ये कह रहे हैं आचार संहिता के बाद इन लोगों ने कटरा से डामल डाल के सड़कें निकाल दी, वो कच्ची सड़कें थी और वो भी 2 दिन बाद पूरी गड्ढे हो गए उसमें, तो कैसे कहेंगे कि मध्य प्रदेश अमेरिका बन गया है? आप देख सकते हैं मेरे से बसपा युवा चर्चित चेहरा जो कि पूरे देश में छाया हुआ है स्नेही जाटव जी का,